हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू टीम क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑथर ये जो चैप्टर है इंग्लिश पोएट्री का उसे उसकी हिंदी जो है देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन करके एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगी। और इनके पोइट का नाम है ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इससे पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो उसकी हिंदी मैंने अच्छे से आपको बता दी है, एक्सप्लेन करके एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो। ठीक है, तो फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑथर इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे बेहतरीन तरीके से, और दो पार्ट में इस चैप्टर को देखेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है और कल सेकेंड पार्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी बताने से पहले इससे रिलेटेड स्टोरी जो है वो आपको पहले सुननी पड़ेगी। ठीक है, छोटी सी स्टोरी है ताकि आपको पता चले कि आखिर इसमें किसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो देखिए, प्रस्तुत कविता टेनिसन की लंबी कविता मॉरिटी डी ऑथर से ऑथरित है, और किंग ऑर्थर ने, ठीक है, किंग ऑर्थर एक है, उन्होंने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा को प्रारंभ किया था। उनका कहना था ऑर्थर का कि योद्धाओं का कार्य जो होता है वो कमजोर की सहायता करना तथा उन्हें दुष्टों के चुंगल से बचाना था। सर विडाइवर राजा का वफादार योद्धा है, और घायल राजा अपनी तीन रानियों के साथ एक नाव में बैठकर एविलियन द्वीप पर जा रहे हैं। जो घायल राजा हैं, राजा ऑर्थर, वो अपनी तीन रानियों के साथ बैठकर नाव में जो है वो एक द्वीप है एवाइलियन, उस द्वीप पर जा रहे हैं। वह विडाइवर को नाइटहुड की प्रथा के समाप्त होने पर दुखी ना होने की सलाह देते हैं, और उसे बताते हैं, अपने एक जो विडाइवर है वो एक उनका वफादार योद्धा रहता है, उसे बताते हैं कि परिवर्तन आवश्यक है। संसार में कोई भी नियम लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता है। ठीक है, परिवर्तन आवश्यक है। तो अब आप जब इसे पढ़ेंगे, मैं जब आप इसको अब पढ़ाऊँगी बताऊँगी इसकी हिंदी एक्सप्लेन करके, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए, एंड स्लोली एंसवर्ड ऑर्थर फ्रॉम द बार द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड एल्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज लिस्ट ऑन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी हिंदी। ओके, एंड स्लोली एंसवर्ड ऑर्थर फ्रॉम द बार ऑर्थर कौन है? किंग है। ठीक है, राजा है, इसका मतलब होता है नाव। तो नाव से राजा ऑर्थर ने विडाइबर को धीरे से उत्तर दिया, स्लोली एंसवर्ड यानी धीरे से उत्तर दिया। नाव से मतलब नाव में बैठकर वो अपने तीन रानियों के साथ किसी और द्वीप पर जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसी नाव में बैठकर। ठीक है, तो नाव से राजा ने धीरे से विडाइबर को उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी प्रणाली बदलती है और इसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है। ठीक है, मैनी वेज यानी कि अनेक विधियों से पूरा करता है। लेस्ट ऑन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा जो है वो पूरे संसार को नष्ट कर दे। लेस्ट वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा शुड करप्ट द वर्ल्ड यानी पूरे संसार को नष्ट कर दे। इसीलिए जो परिवर्तन है वो आवश्यक है, और संसार में कोई भी जो नियम है वो लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता। ये जो किंग ऑर्थर है, ये विडाइवर जो उनका वफादार युद्ध है उसे बताते हैं। ठीक है, नाव से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कम्फर्ट थाई सेल्फ, वट कम्फर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, मे ही विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट थाउ, इफ थाउ सुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। राजा ऑर्थर ने विडाइवर से आगे कहा कि तुम अपने अंदर धैर्य रखो। वट कम्फर्ट इज इन मी, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ and that which I have done, मैंने तो अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर लिया है। ठीक है, मैंने अपना जो जीवन है वो आर्थर राजा जो है किंग वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपना जीवन व्यतीत कर लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और मैंने जो कुछ भी किया है ईश्वर उसे स्वीकार करेंगे एवं त्रुटि के लिए उसे क्षमा करेंगे। इफ थाउ सुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, और किंग आर्थर कह रहे हैं कि यदि मुझे कुछ हो जाए, यानी कि अगर यदि किंग ऑर्थर कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे फिर ना देख सको, अर्थात यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी जो आत्मा है, ठीक है, मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा है, ठीक है, और कल हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो पहले आप इतना जो मैंने आपको जो इतना स्टेंजा कंप्लीट करवाया है इतना अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है, ताकि फिर आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कल इतना पढ़ के आएगा, कल इतना पढ़ के आएगा और कल आगे और मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको इतना अच्छे से उसमें बता दूंगी अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।